हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो, अभी वैकेंसीज आई हैं काफ़ी सारी, जो कि कतर में आई हैं और स्टार एयर में आई हैं। सो, कतर में उसमें फ्रेशर्स के लिए भी है, केबिन क्रू के लिए जॉब, इवन अदर चीज़ों के लिए भी हैं। और उसके अलावा जो रीजॉइनिंग वाले हैं, जो ऑलरेडी टर्मिनेशन पे थे, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन उन्होंने हर जगह के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, बिकॉज़ वहाँ पे 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है। सो, उसके लिए वो अभी से तैयारी करके स्टार्टिंग कर दी है। मैंने बोला ही था पहले कि रिक्रूटमेंट आएगा जल्दी। इसके अलावा जेट एयरवेज की भी बहुत जल्दी वैकेंसीज आएंगी। उसके अलावा स्टार एयर ने वैकेंसीज निकाली हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। सो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कतर एयरवेज डालना है। सबसे ऊपर वही आ रहा है लिखा हुआ मेरे सर्च में। इसमें जाने के बाद में आपको कतर एयरवेज डालना है जी। इनको इन सब चीज़ों से पहले ना आपको अपना सीवी बना के ऑलरेडी तैयार रखना है, बिकॉज सीवी आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा। सी सबसे ऊपर यही सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आप जैसे ही देखोगे क्रू, होटल अलाउंसेज स्पेशलिस्ट और केबिन क्रू या एक्सपीरियंस वालों के लिए, उसके बाद में कस्टमर एक्सपीरियंस, केबिन क्रू रिक्रूटमेंट 2021, ये बाकी अलग अलग कंट्रीज़ के। उसके बाद में आप देखोगे तो और सारी जॉब्स इसमें सब जगह पे हैं ये सारी। सो केबिन क्रू में ही जैसे कि है, वो बाहर भी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगर किसी के में सपोज वो नहीं आता है तो। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंटल वालों के लिए, मतलब जितने भी लोग हैं सब भर सकते हैं, फ्रेशर्स वगैरह सारी चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये कस्टमर एक्सपीरियंस वाले, ये तो मैसेडोनिया के लिए है, और उसके बाद में ये एक्सपीरियंस क्रू के लिए है, ये कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर केबिन क्रू रिक्रूटमेंट 2000, ये फ्रेशर्स के लिए है। ये आप जाके सीधे क्लिक करके भर सकते हो। पहले इसके लिए सीवी बना के ऑलरेडी तैयार रखना, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, बिकॉज सी। और इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, मिनिमम आपको 21 ईयर एज, उसके बाद में मिनिमम आर्म रीच आपका 212 होना चाहिए, हाई स्कूल आपने कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, और दोहा में आपको जाना पड़ेगा बाद में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, सीधे अप्लाई नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे ही आप जाओगे, ये आपको प्राइवेसी, मतलब ये बोलते हैं कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी को नहीं, आप इनके पास सीक्रेट रहेंगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में अपलोड सीवी, सीधे जैसे ही आप अपलोड सीवी करोगे, यहाँ पे जाने के बाद में ये अपलोड हो गया आपका सीवी। सीवी जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आधी आपकी डिटेल्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। ये देखिए, मेरा नाम ऑलरेडी आ गया है, लास्ट नेम ऑलरेडी आ गया है, नेशनैलिटी इंडियन ये आ गया है। उसके बाद में सिटी ऑफ रेजिडेंस, जैसे मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ तो हैदराबाद। उसके बाद में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आनी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। मतलब ओवरऑल फॉर्म बहुत फिल है, मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इस आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। उसके बाद मैं दिखाता हूँ स्टार एयर के अंदर जो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। सो स्टार एयर करियर सबसे ऊपर ही आ गया है, और सीधे जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, उसके बाद में पहले पे ही क्लिक करना, और जैसे ही आप पहले पे क्लिक करोगे, उसके बाद में सारी वैकेंसीज खुल के आ जाएंगी। जी एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन, ये कॉन्टैक्ट सेंटर, मतलब आपके बैक ऑफिस की जॉब है, आपको बैठ के वहाँ पे सिर्फ कॉलिंग वगैरह का ये सब देखना है। ये फ्रेशर्स के लिए है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन परसुइंग करते हुए हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तभी आप भर सकते हो। उसके बाद में अगर फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, उसके बाद में एज आपकी 18 to 27 तक आप भर सकते हो, मतलब फ्रेशर्स के लिए है, सीधा ऊपर ही लिखा है, तो आप भर सकते हो। लेकिन आपका जो बेस रहेगा वो आपका बैंगलोर रहेगा, लेकिन आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा। अगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्किल्स, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैंगलोर में बेस है और मेन बेस उसका वहीं पे है। उसके बाद में अप्लाई करने के लिए यही सारी चीज़ें आपको डिटेल्स जाननी पड़ेंगी। एजुकेशन में अपनी क्या पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। अपलोड योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं, उसके बाद में सबमिट कर देना, बहुत ईजी है, सिंपल है। उसके बाद में ये सारी वैकेंसीज हैं, इसमें आपको खोल के देखना पड़ेगा कि किस किस में फ्रेशर्स के लिए है। वेल, इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है जैसे इसमें, और केबिन क्रू एक्सपीरियंस है, फ्रेशर ऊपर ही लिखा हुआ है सीधा। तो इसमें आप देखोगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम ऑफ 10+2 विद रिकॉग्नाइज बोर्ड इन यूनिवर्सिटी, मतलब खाली आपने 12th पास करा है उसके बाद में जा सकते हो। और इवन हाइट इतनी कम मांगी है, बिकॉज उनके पास एयरक्राफ्ट छोटे हैं, तो 155 सेंटीमीटर में आपका काम हो जाएगा, और वेट प्रोपोर्शन 18 to 22, मतलब बहुत कम आपको वेट चाहिए। फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, नो विजिबल टैटूज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है वीडियो में, आप ऊपर जाके क्लिक कर सकते हो और चेक कर सकते हो आप जाके। और तैयारी करने के लिए भी मैं लिंक ऊपर डाल दिया है, आई बटन पे जाके क्लिक करिए, दैट इज़ अ वेरी गुड वीडियो और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है।
डेमोन्स्ट्रेशन, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बिकॉज एक केबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इमरजेंसी हैंड संभालना और सेफ्टी प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद में। वो ही बहुत सिंपल है, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो भरना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दोनों के फॉर्म एकदम सेम है, उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अभी जॉब्स आएंगी और बहुत सारी आएंगी आने वाले टाइम में, और भी ज़्यादा आएंगी, जैसे जैसे आती चली जाएंगी मैं आपको अपडेट करता चला जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी तैयारी करनी कैसे, उसका लिंक ऊपर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो मुझे सीधे टेक्स्ट कर देना, बिल्कुल बिना झिझकाए किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो। और हाँ, इसके लिए सबसे पहले मेन आपको CV अपना चाहिए होगा, और ये सारी चीज़ें अपनी बना के रखना, बाकी अपनी तैयारी करो अच्छे से। बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसको जिस फील्ड में जाना है, ग्राउंड पे जाना है, केबिन क्रू में जाना है, किसी भी चीज़ में जाना है। एंड बाकी स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइज, नमस्कार सभी को, जय हिंद।